नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। कांग्रेस का दोहरा चरित्र आए दिन सबके सामने आता ही रहता है। अब एक बार फिर कांग्रेस के फर्जीवाड़े और झूठे ढकोसले पर से पर्दा उठ गया है। जो कांग्रेस यूपी में बेटियों के हक की बात करती है, वही कांग्रेस यूपी से बाहर निकलकर जब पंजाब की जमीन पर पैर रखती है, तब वो उन्हीं बेटियों के मुंह बंद करती है जिसकी हक की बात वो यूपी में करती है। इसका जीता जागता नमूना है प्रियंका गांधी। जब पंजाब में एक बेटी ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की, तब पुलिस अधिकारियों ने उस बेटी का मुंह बंद कर उसे बड़ी ही बेरहमी से कपड़ों से घसीटा, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते दिन आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया। हालांकि अब उन्हें उन्हीं की पार्टी की सरकार से चुनौती मिल रही है। पंजाब के संगरूर में पुलिस ने कुछ लड़कियों का मुंह पकड़ने की कोशिश की, उन्हें खींचा और जीप में भर कर थाने ले गए। ये सारा वाक्य संगरूर में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की एक रैली के दौरान हुआ। ये पुलिसिया कार्रवाई उन क्वालिफाइड टीचर्स पर हुई जिन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ये सभी लोग चन्नी की रैली वाली जगह पर इकट्ठा हुए थे। घटना स्थल से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो विचलित कर सकती हैं। इसमें देखा जा सकता है कि पुलिस नारे लगाने वाले शिक्षकों को रोकने की कोशिश में है। आंदोलनकारियों ने जैसे ही मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार की निंदा करने वाले नारे लगाए, पुलिस उनके मुंह में कपड़ा ठूंसती नजर आई। कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए एक अधिकारी को एक महिला प्रदर्शनकारी को उसके कपड़ों से घसीटते हुए साफ देखा गया है। इसके बाद महिला को कई अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस बस में अंदर देखा गया। एक पुलिस वाले ने उसे वापस अंदर कर खिड़की बंद करने की कोशिश भी की, तब भी वे लगातार नारे लगाती रही। इससे आम जनता का, उन टीचर्स का गुस्सा कांग्रेस के प्रति साफ देखा गया जिनको नौकरियां नहीं मिली। इसके बाद बस वहां से चली गई। रैली का विरोध कर रहे लोगों को मुख्यमंत्री के समर्थकों ने घेर लिया। कुछ मामलों में तो मारपीट भी की गई। एक शख्स को एक प्रदर्शनकारी को पकड़ते हुए देखा गया। शख्स सरकार की निंदा करने से रोकने के लिए प्रदर्शनकारी का मुंह ढकने की कोशिश कर रहा था। अन्य लोगों ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों को पकड़ने और एक ट्रक में ले जाने में मदद भी की। एक क्लिप में तीन पुलिसकर्मियों ने एक आदमी को जमीन पर गिराने की कोशिश करते और उसके सीने पर घुटने लगाते हुए देखा गया है। आपको याद दिला दें कि यूपी चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण देने समेत कई बड़ी घोषणाएं की। प्रियंका गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी थी। अब जरूरी है कि महिलाओं को राजनीति में भी हिस्सेदारी दी जाए और ये काम कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन यूपी की सरहद पार होते ही इसी कांग्रेस की बेटियों के लिए परिभाषा बिल्कुल ही बदल जाती है। पंजाब में कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए एक अधिकारी को, एक महिला प्रदर्शनकारी को उसके कपड़ों से घसीटते हुए देखा गया है। इसके बाद महिला को कई अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस बस के अंदर देखा गया है। एक पुलिस वाले ने उसे वापस अंदर कर खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन इस सब पर प्रियंका गांधी या कांग्रेस के किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।